गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का मार्केट में। 3 सितंबर दिन शुक्रवार, आजादपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है बाजार में, जो है क्या कुछ फर्क पड़ा है जी बारिश से, और जो प्रोडक्शन मंडी है उससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, उधर भी कई जगह जो प्रोडक्शन मंडी बंद है जी। बाकी अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 8269 अमृत ट्रेडिंग कंपनी, सर के पास जो क्वालिटी है जी वो दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको, फिर उसके बाद अन्य चीज़ों का जानकारी लेंगे जी। देखो जी, बाकी भाई साहब तो आज भी शॉप पे नहीं मिले, इन भाई से ही लेंगे आज रिपोर्ट। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हो भैया? बस बढ़िया जी, आप बताओ जी। बढ़िया जी। भाई साहब कब आएंगे? भाई साहब भैया आ चुके हैं। अच्छा। बाकी कल आपको मिलेंगे दुकान पे। ठीक है जी। हाँ। तो सर जी आज का क्या कुछ माहौल है, कितना टोटल गाड़ी पहुंचा जी मंडी में? बस आज 9 गाड़ी है, 4 यूपी की, 3 ईरान, अच्छा, 1 पंजाब और 1 हरियाणा। ठीक है जी, मतलब बाहर का भी ईरान से भी आ रहा है? ईरान से तो आ रहा है। ओके जी, ये पक्के बिल्टी वाला है? हाँ, एक नंबर मारा है। मतलब 9 गाड़ी में 3 ये है, 6 अपना इंडिया का है। इंडिया का है। ओके हाँ। तो सर जी जिस हिसाब से दिल्ली में 2-3 दिन से मौसम खराब है जी, बिक्री पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो दिन रात बारिश चल रही है, बिक्री पे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है हाँ। तो ये जो 9 गाड़ी आ रहा है जी, 9 में से कितना अभी सेल हो रहा होगा, कितना बैलेंस रह रहा होगा? मेरे भाई अगर 9 गाड़ी आ रही है ना, अगर मोटा मोटा मानो अगर 2000 कट्टा आ रहा है तो वही मानो 1000 कट्टा सेल, आधा बच रहा होगा। आधा बच रहा है जी, ज्यादा और अभी मोटा मोटी मार्केट में नीचे उतरा हुआ कट्टा कितना है जी, बैलेंस कितना है? कम से कम 8 से 10 हजार होना चाहिए। 8 से 10 हजार। ओके okay. और बात करें भाव का तो सर जी इस समय भाव क्या कुछ चल रहा है जी, पहले से आते एक सप्ताह पहले से और आज के अगर कंपैरिजन करें? 10-20 रुपए डाउन हो चुका है। 10-20 रुपए? हाँ। okay. ये आपका चाइना के वजह से, ईरान के वजह से बाजार पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ज्यादा इस समय किन मालों पे प्रभाव पड़ रहा है जी? भाई आपके हरियाणा के मालों पे पड़ रहा है प्रभाव, ठीक है, और ये हिमाचल में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 300 से ऊपर के बाजार थे, ठीक है, अभी ने कोई मांग नहीं रहा, वो माल पहले बिक रहे हैं ईरान के, अब चाइना वगैरह जो भी है। हाँ जी, एमपी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, अब 200 से कम से माल नहीं स्टार्ट होते उनके। ठीक है, देखो अब 300 से ऊपर का बाजार था उसका। ओके, अच्छा माल बिक नहीं रहे। तो अपने पास जो ये जो क्वालिटी है इनका क्या भाव चला जी आज? ये चला ही नहीं सर, चल रही तो नहीं रहा, सारी बात तो ये। अच्छा जी, ये बिकने चाहिए माल 300 तो बिकने चाहिए, कोई मांग के राजी नहीं। ठीक है जी। हाँ, ये माल है हरियाणा के माल है, बहुत सुपर माल है। अभी माल बिक लेते 240 वाले, ये 200 से ऊपर मांग नहीं रहे। अच्छा जी, आपके पीछे मीडियम माल है ये भी, वही मान के चलो 200 के आसपास के बाजार है। ओके जी, नहीं मांग रहे। ये फिर डबल साइज है आपका हिमाचल का, ये बिकना चाहिए कम से कम 260-270 रुपए, ये नहीं मांग रहा। अच्छा जी हाँ। और सर जी अभी माल का क्वालिटी को देखते हुए भाव में कितना कुछ चेंज आया हुआ है जी? वो मैंने को था ना, 10-20 रुपए का फर्क आ गया बाजार में। 10-20 रुपए ही फर्क आ गया, पहले माल वो बिक रहे हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा। ईरान और चाइना से लेके इन मालों में 50-60 रुपए का डिफरेंस है, तो क्योंकि बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, और ये चलता रहेगा तो ये डिफरेंस रहेगा। अच्छा। बाजार और डाउन जाएगा। ठीक है जी। अब एक बात कर ले सर जी, एरिया वाइज, एरिया के अकॉर्डिंग जो मार्केट में जितने भी एरिया आ रहे जी, पंजाब हो गया अपना, एमपी, जितने भी एरिया, तो उनका क्या भाव चला जी, पंजाब का क्या भाव है आज? पंजाब का मेरे भाई वही 200 से 250 रुपए, पंजाब में इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बोले हुए बिकता है। ठीक है जी, माल भी अच्छे होते हैं। ठीक है, बाकी यूपी के मालों में फर्क है, आपके हरियाणा के मालों में बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी। हाँ। यूपी का क्या बाजार है सर? यूपी के बाजार मेरे भाई ये लगा लो कि 170 रुपए से लेके वही 220-230 रुपए तक बाजार है उसका। ठीक है जी, हरियाणा वाले माल? हरियाणा के माल मेरे भाई 180-190 रुपए से लेके लास्ट 220-230 रुपए 40 रुपए बिक जाएगा सुपर। ओके जी, एमपी? एमपी भाई 200 से लेके बाजार तो उसके 300 तक है, पर बिक्री नहीं है, बिक्री बहुत स्लो है। अच्छा, क्योंकि ईरान बिक रहा है उसकी जगह। ये जो माल अभी आ रहे हैं जी, हाँ जी, किस भाव में ज्यादा बिक रहे हैं? मेरे भाई वही 200 के आसपास का बाजार है, 200 के आसपास, 220-230 सुपर मालों को 250 रुपए। अच्छा, बस बिहारी ब्रांड की बिक्री है मेन ज्यादा। ठीक है जी। हाँ जी, और आपका जो राजस्थान का जो लहसुन है जी? राजस्थान के माल वैसे आज आई नहीं है, कल भी नहीं आए हैं, बाकी राजस्थान के कटपीस मालों में पड़े हैं, वही बिक रहे हैं 100 रुपए के आसपास। 100 रुपए के पास कटपी? पड़ते नहीं है ना वहाँ के, सारी बात तो ये। अच्छा जी, बाजार में इतना फर्क पड़ेगा। और हिमाचल नीचे में क्या रेट रहा जी, और ऊंचे में क्या रेट? हिमाचल मेरे भाई नीचे में रहा, उसकी गोली बिकी है 200 रुपए, ऊंचे में बाजार 300 का, पर लेकिन बिक्री नहीं है। अच्छा जी, 300 वाला बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं है। और सर जी अभी जो प्रोडक्शन मंडियों में ये जो हड़ताल चल रहा है जी चाइना को लेकर के, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है मार्केट पे, और
इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? दो तीन दिन से देखो चाइना तो आया नहीं है, पीछे अभी भी छह दिन मंडी कह रहे हैं, चार पांच दिन मंडी बंद है पीछे प्रोडक्शन मंडियों में। ठीक है जी, एमपी राजस्थान यहाँ मंडी बंद है, अगर ऐसी चलेगा तो भाई प्रभाव पड़ना चाहिए, फिर थोड़ी इनकी बिक्री खुलने के आसार है। अच्छा लगता है अगर आएगा, ठीक है, प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो भैया बाजार डाउन जाएगा और मंडी खराब करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए सर, किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? सर लोग तो सर कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा ना, मेन पॉइंट तो ये है, प्रशासन भी तो कुछ करे। अच्छा, मंडी के बाल बाहर आ रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं माल, ठीक है, और दो नंबर के तरीके से आ रहे हैं, बिक रहे हैं, तो प्रशासन करेगा जो करेगा। अच्छा, व्यापारी तो कोशिश कर ही रहा है, किसान तो कोशिश कर ही रहा है जी, अब ये दोनों एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होने के। अच्छा जी, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। शॉप है 269 आजादपुर सब्जी मंडी, फोन नंबर है 8700-830-375। धन्यवाद, धन्यवाद जी।